हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरी यही कामना है कि आपको इज्जत दौलत शोहरत दे और ऊपर वाला आपको दे, और यही मेरी कामना है यार। तो आज दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आ चुका हूँ एक नए व्लॉग में बात करने के लिए एक कंपनी के बारे में, जो कि नई कंपनी मैं नहीं कहूँगा, कई सालों से चल रही है और उसका बिजनेस मॉडल ओला उबर की तरह ही है, लेकिन कुछ हटके है, डिफरेंट है वो। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों। जिस कंपनी के बारे में मैं दोस्तों बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है ब्लू स्मार्ट मोबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड। नाम देखो, जो भी टैक्सी चला रहे हैं उन्होंने इसके बारे में ये नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। आपने गाड़ियां भी देखी होंगी सड़क पर चलते हुए। अभी जो मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, ये वही गाड़ियां हैं जो आपने सड़क पर कई बार देखी होंगी, और कुछ भाई लोग जानते भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे कि यार इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये किस तरीके की कैब्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करवा रही हैं, कैसी सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं। तो दोस्तों, ये जो ब्लू स्मार्ट मोबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये टैक्सी राइड शेयरिंग ऐप कंपनी ही है, राइड शेयर करती है जैसे कि ओला और उबर। बस इसका बिजनेस मॉडल में ये फर्क है कि ये ओला और उबर की तरीके से राइड नहीं लेती, ये अपने ही ऐप पे राइड लेती है, जो कि इनका ब्लू स्मार्ट का जो ऐप है। अगर आपको इनके साथ राइड करनी है, एज अ राइडर बात करूं तो आपको अगर इनके साथ राइड करनी है तो आपको ब्लू स्मार्ट का ऐप डाउनलोड करना होगा, उसी के थ्रू ये बुक होगी गाड़ी। इसका ओला उबर से कोई मतलब नहीं है, इनकी खुद की गाड़ियां हैं और खुद का ही ऐप है, खुद का ही इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सब कुछ इनका है अलग। तो इनकी जो गाड़ी है वो इन्हीं के ऐप से चलेगी और कोई दूसरे ऐप में आप काम नहीं कर सकते। तो बिजनेस मॉडल समझा देता हूँ दोस्तों। बहुत सारे ड्राइवर भाई आजकल ना यार बहुत बहुत परेशान है यार, जैसे कि गाड़ियां बहुत महंगी हैं, तो हर ड्राइवर भाई ये सोचता है कि यार मैं एक ओनर बन जाऊं, लेकिन इतना पैसा नहीं हो पाता यार, गाड़ियां बहुत बहुत महंगी हो चुकी हैं यार, इतना पैसा नहीं है यार, सबके पास नहीं है, हर किसी की कंडीशन अलग है, इतना पैसा नहीं है। तो कुछ ऐसे रास्ते भी निकल के आते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस निकल के आते हैं जिसके अंदर आप बिना पैसा लगाए भी एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले दिनों एवरेस्ट फ्लीट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी एक ऐसा ही बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप 20 से 25 हजार रुपए लगा करके नई गाड़ी अपने पास रख सकते हो। हाँ, आप ओनर नहीं बनने वाले उसके, लेकिन आप 20-25 हजार रुपए में अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो उन लोगों को रेंट पे करके। वो रेंट लेते हैं आपसे डेली का, मतलब वीकली रेंट एक आपसे लेते हैं, गाड़ी आपकी नहीं होने वाली, गाड़ी रहेगी आपके पास। लेकिन एवरेस्ट फ्लीट की मैंने एक वीडियो पिछले दिनों बनाई थी। ऐसा ही एक दूसरा मॉडल जो आज मैं बात कर रहा हूँ, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी, ये उससे डिफरेंट है, इसका बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इसके अंदर आपको 20-25 हजार रुपए भी नहीं लगाने, इसके अंदर आपको एक रुपया भी नहीं लगाना, नॉट इवन अ सिंगल रुपी, एक रुपया भी आपको नहीं लगाना इसके अंदर। और आप कितनी अर्निंग कर सकते हो कुछ आइडिया लगाओ? आप अर्निंग इसके अंदर 20,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि मैं जिन भाइयों से मिला हूं, मैंने देखा है उनका कि उन्होंने 40,000 रुपए का काम एक एक महीने में एक रुपया लगाए बिना किया है इस कंपनी के साथ जुड़ के। और बस सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हो, और जो मैं बता रहा हूं ना 20,000 से लेकर के 40,000, वो वेरी करता है आपके मेहनत के ऊपर, कितनी मेहनत आपने करी है, कितना एफर्ट डाला है इस चीज को आगे बढ़ाने में। इनका बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं, ये जो है ड्राइवर्स को ज्वाइन करवाती हैं अपनी कंपनी में, यानी कि किसी ड्राइवर को अगर इनके साथ जुड़ना है तो वो इनके साथ ज्वाइनिंग करेगा। और ज्वाइनिंग कैसे होती है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। इसके लिए दोस्तों आपको इनके हेड ऑफिस जाना होगा, जो कि कापाशेड़ा बॉर्डर के पास है, वहां आप जाओगे, या गुड़गांव से भी इनकी जो है ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कापाशेड़ा बॉर्डर के पास इनका है, गूगल से आप एड्रेस निकाल सकते हो, नहीं तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। वहां दोस्तों जब आप जाएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। डॉक्यूमेंट्स में आपके वही जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट, या अगर आप खुद मकान मालिक हैं तो उसका आपको प्रूफ। और उसके अलावा दोस्तों जो लाइसेंस चाहिए होता है इन्हें, वो चाहिए होता है 5 साल पुराना कमर्शियल लाइसेंस, 5 साल पुराना। अगर आपका प्राइवेट लाइसेंस है तो आप इसमें गाड़ी नहीं चला सकते, आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए होगा, वो भी 5 साल पुराना। तो
पांच साल पुराना लाइसेंस अगर आपका नहीं है, अगर आप कमर्शियल हो एक दो तीन साल पुराना, तो आप चला नहीं सकते, वो रिजेक्ट कर देंगे आपको। इसके बाद दोस्तों आपको एक टेस्ट भी देना होता है, एक इंटरव्यू लेते हैं आपसे, आपसे जानकारी लेते हैं, एग्जाम टाइप आप कह सकते हो, टेस्ट भी लेते हैं। उसमें ये क्या पूछते हैं जनरल आपसे, आपको फील्ड की जानकारी होनी चाहिए कि जिस एरिया पे आप चलाने वाले हो, मान लो आप दिल्ली एनसीआर में चलाने वाले हो, तो आपसे वो जानकारियां पूछेंगे कि आप कितना जानते हो इस चीज के बारे में। पता लगे आप बिहार से आए हो, महाराष्ट्र से आए हो, और किसी राज्य से आए हो, और आपके पास लाइसेंस भी वैलिड है, लेकिन आप को नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी उस एरिया की, दिल्ली एनसीआर की फॉर एग्जांपल, तो आपको ये ज्वाइन नहीं करेंगे। लाइसेंस चाहे आपका 10 साल भी पुराना हो, 20 साल पुराना हो, ज्वाइनिंग नहीं लेंगे आपकी। फिर दोस्तों आपसे कुछ इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछते हैं जो टेस्ट में आपसे, के रोड साइंस के बारे में, जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं उसके बारे में पूछेंगे कि आपको उसका मतलब पता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, लाइट्स, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, जो भी है ट्रैफिक सिग्नल के जो रूल्स होते हैं, क्या आपको उस बेसिक नॉलेज का पता है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ड्राइवर चालान कटवाए और परफॉर्मेंस खराब करे। तो ये सारी चीजें जब ओके हो जाती है, और ड्राइविंग टेस्ट भी लेते हैं दोस्तों आपका ना, एक ड्राइविंग टेस्ट लेके देखेंगे आप गाड़ी सही चला रहे हो कि नहीं, गाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको है कि नहीं, क्योंकि लाइसेंस बहुत लोग फेक भी बनवा लेते हैं और सोचें कि काम कर लें, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आपसे ड्राइविंग का टेस्ट भी लेंगे, अगर इनको सब कुछ सेटिस्फाइड होते हैं भाई, तो ये आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, पैसा आपको नहीं देना है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको जो है बाकायदा ड्रेस मिलेगी, बैग मिलेगा, पानी की बोतल मिलेगी, ये सारी चीजें आपको एक किट सी ये देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं देना पड़ रहा उसका आपको। अपनी ब्रांडिंग होती है हर चीज के ऊपर, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी का इनकी ब्रांडिंग होती है, वो आपको किट मिलती है जब आप ज्वाइन कर लेते हो, बिना पैसे के आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो, एक रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक तो ये चीज हो गई दोस्तों। अब गाड़ी जब आप इनके साथ ज्वाइन कर लेते हो, तो आप गाड़ी घर नहीं ले जा सकते अपने। इन लोगों क्या है दोस्तों, इन लोगों ने हब बना रखे हैं अपने, जैसे ये एनसीआर बेस्ड कंपनी है, गुड़गांव की शायद कंपनी है, तो इन्होंने हब बना रखे हैं कि गुड़गांव में कई सारे हब बने हुए। हब मतलब आप कह सकते हो कि एक ट्रांसपोर्टेशन एरिया कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप, जहां पर आप ये गाड़ियां जो है अपनी खड़ी करते हैं, जहां पर इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर गाड़ियां चार्ज होती हैं। और हाँ, ये बेसिकली चार्जिंग से ध्यान है, इनकी सारी गाड़ियां दोस्तों वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, सीएनजी गाड़ी इनकी नहीं है, और इलेक्ट्रिक में इनकी टाटा की गाड़ियां आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, बढ़िया गाड़ियां, मेंटेन्ड गाड़ियां बिल्कुल एकदम। हर गाड़ी में आपको परफ्यूम से लेकर के बेहतरीन चीजें अंदर, जो इक्विपमेंट्स होते हैं इंफ्रा, अंदर का जो क्या बोलते हैं इंटीरियर, बढ़िया रहेगा उसके अंदर, क्योंकि ये मेंटेन करते हैं, अपना नाम खराब नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो ये जो है दोस्तों गाड़ी, आप इनसे जब आप लेंगे, तो आपको जो है दोस्तों फ्राइडे के फ्राइडे एक स्लॉट आपको बुक करना होगा अपना, यानी कि इसमें हर वीक का एक स्लॉट बुक होता है, हर हफ्ते के लिए आपको फ्राइडे के फ्राइडे स्लॉट खुलते हैं, वो स्लॉट आप बुक करेंगे। उसके अंदर आप बताएंगे कि आप गाड़ी 8 घंटे की चलाना चाह रहे हैं, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, जितना ज्यादा घंटे का आप स्लॉट बुक करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई होगी। तो ये अपने ऊपर है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो, और जो भी आप स्लॉट बुक करेंगे उसके अंदर 2 घंटा जो चार्जिंग का पीरियड होता है गाड़ी चार्ज होने का, वो एक्स्ट्रा मान के चलें, यानी कि अगर आपने 8 घंटे का स्लॉट बुक करा है तो 2 घंटा आपको एक्स्ट्रा मान के चलें कि आपको काम करना है, उसका कोई अलग पैसा नहीं होगा, जो चार्जिंग करने का टाइम होता है 2 घंटे का। अगर आप 10 घंटे के लिए कर रहे हैं तो 12 घंटे मान के चले, 12 घंटे कर रहे हैं तो 14 घंटे मान के चले कि 2 घंटा आपको गाड़ी चार्ज करने के लिए भी वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको गाड़ी चार्जिंग टाइम। तो दोस्तों इनके हब बने हुए हैं, जैसे कि आप द्वारका में ले लो, टर्मिनल 1, 2, 3 एयरपोर्ट्स पे इनके हब हैं, और दिल्ली में कई जगह हैं, गुड़गांव में बहुत जगह है, मानेसर में है, कापाशेड़ा वगैरह बहुत जगह इनके हैं। अभी बहुत रिसेंटली ये सेक्टर 62 के आसपास भी ये खुलने वाला है इनका, जिससे कि गाजियाबाद, नोएडा, इस एरिया के बंदों को भी बेनिफिट हो जाएगा। गाजियाबाद में इनका अभी कोई नहीं है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों आपको ज्वाइन जब होना है तो आपको ये देखना है कि आप किस हब के आसपास रह रहे हो। मान लो आप ज्वाइन करते हो, कोई गाजियाबाद नोएडा का बंदा यार दिल्ली ज्वाइन करेगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी कि यार इतनी दूर कैसे जाएगा। तो हब अभी आसपास जो भी आपका सबसे नजदीक हब हो, क्योंकि आपको गाड़ी जो है वहीं से लेनी है सुबह सुबह जा करके, एक टाइम जो है फिक्स, जिस टाइम पे गाड़ी आपको कलेक्ट करनी है वहां से, जो आपने स्लॉट भरा है उसी टाइम पे आपको गाड़ी मिलेगी, चाबी मिलेगी, और गाड़ी आपको अलग अलग मिलेंगी। ये नहीं कि दोस्तों आप जो एक गाड़ी चला रहे हो वही मिलेगी आपको, अलग अलग गाड़ियां आपको मिलेंगी इसके अंदर। तो आपको अपने स्लॉट के हिसाब से जाना है, बुक करना है, और गाड़ी आप ले लेंगे वहां से। तो जो आपका नजदीकी है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई द्वारका रहता है या एयरपोर्ट के पास रहता है,
तो आप इन स्लॉट्स में से देख सकते हो। गुड़गांव में जहां जहां है वहां वहां देख सकते हो आप। नजदीक ही आपको रहना होगा, अगर आप चलाने के वाकई में इच्छुक हो तो आप किसी स्लॉट के पास किराए पे कमरा ले सकते हैं और वहां रह सकते हैं, क्योंकि आपको यार गाड़ी छोड़ने भी जाना है और सुबह सुबह लेने भी जाना है, गाड़ी आप अपने घर नहीं ले जा सकते। तो एक तो ये चीज हो गई दोस्तों। दूसरा क्या है कि आप इसमें पैसा कैसे कमाते हैं दोस्तों। इनकी ना जो एक डेली की जो सैलरी होती है, आपका डेली की वेज जो होती है इनकी, 450 रुपए पर डे के हिसाब से ये पे करते हैं ड्राइवर को। अब आप समझे 450 रुपए पर डे के हिसाब से तो बैठता है आपका कितना, 7 × 4 = 28, 3150 रुपए हफ्ते की पेमेंट आपको ये करते हैं। 450 रुपए दिहाड़ी समझ लो आप ड्राइवर की, ये उसकी इनकम होती है। 3150 रुपए हो गए तो मंथली बैठता है ये समथिंग 12,500 रुपए के आसपास एक महीना। तो आप सोचेंगे कि आपने 30-40 हजार कैसे बता दिया। तो उसका एक जो है इनका बिजनेस मॉडल में ये है कि आप इंसेंटिव्स कमाते हो। इंसेंटिव में ये है दोस्तों कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो थोड़ा माफ करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है तो वीडियो पे थोड़ा बने रहे। तो इंसेंटिव्स के जरिए आप इसमें पैसा कमाते हो। सैलरी तो 12,500 की बैठेगी 450 रुपए के हिसाब से। इसमें इंसेंटिव दोस्तों आप कैसे कमाते हो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दोस्तों अगर आप 8,000 रुपए तक का काम करते हो इनके ऐप पे, मतलब ये ट्रिप्स आपको देंगे, आपको कोई मतलब नहीं है, 8,000 तक की ट्रिप अगर आप हफ्ते में करते हो तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर आप 8,000 से 9,000 रुपए तक का काम करते हो तो आपको 500 रुपए आपकी सैलरी के अलावा मिलेगा। 9,000 से 10,000 का करते हो तो 1,000 रुपए, 10,000 से 11,000 का करते हो तो 1,500 रुपए, ऐसे ही 11 से 12 का 2,100 रुपए। तो जिस ड्राइवर भाई की मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैंने काम देखा है स्वयं, वो बंदा जो काम करता है मैं आपको बताता हूं, वो काम करता है 18,000 रुपए प्लस का, वो काम करता है, मेहनत करता है। 18,000 से अगर 19,000 का आप काम करते हो तो आपको सैलरी के अलावा 7,200 रुपए हफ्ते का आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है ना दोस्तों, 7,200 ये और 3100 वो, तो आपकी सैलरी लगभग फिर वही मानो आप हफ्ते की 10,000-11,000 बैठ जाती है और 40,000 प्लस ही जाएगा आंकड़ा अगर आप इस 7,000 वाले इंसेंटिव को करते हो और 18,000 से ऊपर का काम करते हो, यानी कि 8,000 आपकी मेहनत के ऊपर है। तो आप जितने का भी काम करोगे 8,000 से ऊपर का तो इंसेंटिव आपको सैलरी के अलावा मिलेंगे। तो 11,500 रुपए तो मान के चलो सैलरी है ही, उसके अलावा इंसेंटिव आप जैसे जैसे मेहनत करोगे तो आप 20,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक भी आप इसमें कमा सकते हो बिना एक पैसा लगाए, ओनली मेहनत। फिर इसके अंदर दोस्तों क्या रहता है कि आपको जो है इंसेंटिव मिलता है। मान लो आपने जो है हफ्ते में काम बहुत अच्छा किया, आपकी कोई कंप्लेंट नहीं आई राइडर द्वारा, बहुत अच्छी सर्विस दी आपने राइडर को, फुल मजा आया आपके साथ, तो वो जब आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, अच्छी रेटिंग देंगे और आपकी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी तो आपको 1,000 रुपए का अलग से इंसेंटिव कंपनी देगी इस चीज के अलावा। ये इंसेंटिव तो काम का है कि कितना आप काम करते हो। ये इंसेंटिव की लिस्ट भी मैं अभी आपके पास डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आप 1,000 रुपए तक अलग इंसेंटिव भी कमा सकते हो अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है कि आपने बहुत अच्छी सर्विस कंपनी राइडर्स को दी है। तो दोस्तों इसके अंदर कमाई आप कर सकते हो 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बिना एक पैसा लगाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत आइडिया है। अच्छी सर्विस आप दे सकते हो, गाड़ी की आपको टेंशन नहीं है, ना पेपर करवाने हैं, ना ही आपको जो है उसकी मेंटेनेंस करवानी है, कुछ भी आपने नहीं करवाना है, सब कुछ कंपनी ने करना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों, और ज्वाइनिंग जब आप करेंगे तो आपको ये सब सुविधाएं मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में आप लोग अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। गाड़ियां जो है ये इनकी 2-3 रेंज की गाड़ियां होती हैं कि वो आपको स्लॉट में भरनी होंगी, कि मेरे को एक गाड़ी, जैसे इनकी अलग अलग क्लास बना रखे हैं कि एक गाड़ी जो है मॉडल के हिसाब से है कि भाई एक गाड़ी 110 किलोमीटर चलेगी, एक 150 किलोमीटर चलेगी, एक 200 किलोमीटर चलेगी चार्जिंग पे, वो आपको स्लॉट में भरना होगा। स्लॉट फ्राइडे के फ्राइडे खुलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ज्वाइन आप इसमें कर सकते हो दोस्तों। कॉम्पिटिशन इसमें देखो हाई है, क्योंकि गाड़ियां इनके पास बहुत अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड गाड़ियां इनके पास नहीं है, गाड़ियां सीमित हैं, बढ़ा रहे हैं ये भी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, अपनी कंपनी को ग्रोथ ले रहे हैं। तो आप जो है दोस्तों इसके अंदर इजिली ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे पैसे कमा सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी हर काम में, जो मैं हमेशा से कहता आया हूं। तो ये दोस्तों आप समझ लें, इस कंपनी में आप ज्वाइन करें। जो भी इच्छुक है, जो भाई बेरोजगार है इस समय आज की डेट में और मेहनत करना चाहते हैं लेकिन फंड नहीं है उनके पास,
तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने काफी जानकारी आपको, जो मेरी समझ से है, जो मेरे सोर्सेस से मैंने जानकारी ली है, वो मैंने आपको बता दी है फैक्ट्स के साथ, बढ़िया बता दी है आपको। और अगर इसमें कोई खामी रह गई हो तो मुझे माफ करना उस चीज के लिए। तो आप ज्वाइन करें दोस्तों इस कंपनी में और देखें आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर कल को मजा नहीं आएगा तो आप इसमें इजीली छोड़ भी सकते हो। आप अगले हफ्ते का स्लॉट जब नहीं भरोगे ना, तो समझ लो आपकी नौकरी वैसे ही खत्म है। काम करते रहोगे तो आप कंटिन्यू करोगे अच्छी सर्विस के साथ। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारी ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी कंपनी के बारे में जो मैंने आज आपको दी है, मुझे नहीं लगता कि इतनी बढ़िया जानकारी, इतनी ज्यादा डिटेल में जानकारी आपको मिली होगी। तो दोस्तों जानकारी पसंद आई है अगर आपको, तो मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो टैक्सी रिलेटेड और इन चीज़ों की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं आपके लिए। और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी करें या शेयर करें किसी भाई के साथ जो कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं देव मल्होत्रा मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।